वालेकुम वेलकम टू माय चैनल फ़िज़िक्स विद हादिया आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे फ़ोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कि जब हमारा कोई पानी मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से भी कोई फोर्स लगती है या नहीं अगर वो लगती है तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं क्योंकि हमारे पास फिज़िक्स में हम हर चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूलाज बनाए हैं जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है तो हमारे पास क्या है हम देखते हैं कि वाटर फ्लो की वजह से फोर्स कितनी प्रोड्यूस होती है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉरिजोंटल पाइप है जिसमें से कि पानी बह रहा है ठीक है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है उसका कोई ना कोई मैस है तो मैस और विलासिटी की वजह से हम क्या कहते हैं उसका मोमेंटम है क्योंकि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है पी इज़ इक्वल टू एम वी आई होप कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा होना मैं यही यूज़ करती हूँ पी इज़ इक्वल टू एम वी सही है क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मैस रखती है और वो मूव करी होती है तो उसका क्या होता है हमारे पास कोई ना कोई मोमेंटम होता है तो हमारे पास ये हो गई बेसिक बात तो वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी इन दिस डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी है एक वैक्टर क्वान्टिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जब वो स्ट्राइक किया इस वॉल के साथ तो क्या हुआ उसकी जो ये हमारे पास क्या थी इनिशियल वेलोसिटी उसकी तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो गई ज़ीरो ठीक है जब वो रेस्ट में आ गया तो इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो गई ज़ीरो हो गई हमने बेसिकली यही फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितनी लगी उस वाटर फ्लो की वजह से तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ जो कि हमारे पास क्या होता है एफ़ इज़ इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी तो मेरे प्यारे बच्चे अब परेशान हो रहे होंगे कि ये वाला न्यूटन सेकंड लॉ तो हमने ये वाला पढ़ा था एफ़ इज़ टू एम तो अभी हम ये बना लेते हैं इससे हमें हमें तो बनाना आता है हम तो बड़े हो गए ना एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए हमारे पास क्या होता है विलासिटी पर यूनिट टाइम चेंज इन विलासिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है एक्सोलोरेशन होता है ना और हमारे पास मोमेंटम मैंने क्या कहा एम वी तो हमारे पास ये एम वी बन गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं चेंज इन विलासिटी पर यूनिट टाइम तो हमारे पास ये क्या है डेल्टा एम वी क्या है हमारे पास डिवाइडेड बाई टी डेल्टा टी चेंज इन टाइम आएगा चेंज इन वेलोसिटी होगी तो वो होगा एक्सलोरेशन तो हमारे पास क्या है एफ इज़ इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी आ गया ये वाला रिलेशन ये किससे आया न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है ठीक है हमने यूज़ किया ये वाला रिलेशन अब हमने क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी सही हो गया तो हमारे पास हमने क्या कहा कि हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो तो है जी ज़ीरो जी तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये टर्म ज़ीरो माइनस एम वी आए डिवाइडेड बाय टी अगर हम इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो वो हम किस तरह से लिखेंगे वो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे लिख लेते हैं एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस एम वी बाई टी सही हो गया ये आ गया रिलेशन लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थे थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन जब हमारे पास वाटर ने इस पर फोर्स लगाई तो ये इतनी अच्छी तो नहीं है कि ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगी ये भी इस पर फोर्स लगाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड की लेकिन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स ये क्या थी पॉजिटिव फोर्स जो वाटर ने उस पर लगाई ये क्या है नेगेटिव फोर्स उस पर लगाई तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ हम देखें अगर तो हमारे पास क्या है फोर्स एक नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या होगी माइनस एम वी इन टू टी और हमारे पास फ़ाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा एफ़ इज़ इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी जो कि हमारे पास क्या है फ़ाइनल रिलेशन है फ़ोर्स है ड्यू टू वाटर फ्लो और अगर हम इसको एक और तरीके से लिखें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एम ऑफ टी ये क्या है रेट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू वेलोसिटी ठीक है ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल रिलेशन आ गया और हम इससे एक और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं ये हमारी फ़ाइनल हो चुका है फ़ाइनल हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था लेकिन क्या है कि मैं ज़रा कोशिश कर रही हूँ कि आपको आप थोड़ा पिछले टॉपिक्स को भी इसके साथ रिलेट करते हुए जाएँ ताकि चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली समझ आएँ कि पिछली चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं या नहीं क्योंकि हर चीज़ प्रूफ होती है और हमारे पास अगर न्यूटन का फ़र्स्ट लॉ एक ही है तो कहीं और जगह जाने से वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना तो हमारे पास क्या है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती हैं और अगर वो कहीं और जगह पर चेंज हो जाए तो वो थैरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हम इसको पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करके देख लेते हैं कि हमारे पास इम्पल्स का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एफ़ क्रॉस टी हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है इम्पल्स और वो क्या होती है मोमेंटम में चेंज होता है अगर हम इसको टी को यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इसको इस तरफ ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इम्पल्स है और इम्पल्स का हमारे पास हमने क्या कहा था कैसे उसको डिस्कस किया था उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि जो अगर फोर्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो उसे इम्पल्स कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर बॉल हिट करती है बैट को तो वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ़ टाइम के लिए होता है ना तो उस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा रही हूँ तो ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है तो हमारे पास क्या होगा कि चेंज कर रहा होगा मोमेंटम में मोमेंटम मैंने क्या आपको बताया कि अगर कोई बॉडी मैस रखती है और वो मूव करी है विथ वेलोसिटी वी तो उसका क्या होगा मोमेंटम और इम्पल्स हमारे पास क्या है ये फोर्स लगी तो जाहिर बात है इसका मोमेंटम जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो चेंज होगा या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन जो हो अगर हमारी होती भी है तो हमारे पास क्या है मोमेंटम क्या रहता है कंजर्वड और आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करिए हो ऐसा सिस्टम होता है ठीक है तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम इंटर रिलेट करें यहाँ पर बेसिक जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक की था ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखें में याद रखें लाला हाफ फीमान्ल